व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एप्पल से बनने वाली एक डिलीशियस चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। दोस्तों, इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। गाइज, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए जल्दी से ये चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर मैंने लिया है एप्पल और एक नींबू। तो गाइज, सबसे पहले एप्पल को जो है मिडिल से काट लेंगे। साथ ही हम इसे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। और गाइज, मिडिल का जो ये हिस्सा होता है हमें इसे काट कर अलग कर लेना है। तो सभी स्लाइसेस से हम इसी तरह से इसे अच्छे से साफ कर लेंगे। गाइस, सभी एप्पल के स्लाइसेस को हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। अब चाकू की मदद से हम इसे छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करेंगे। तो इस तरह से पहले हमें इसे लंबे लंबे काट लेना है। और अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में जो है इस तरह से काट कर तैयार कर लेंगे। तो गाइस, इसी तरह से हमें सभी एप्पल को जो है काट कर तैयार कर लेना है। अब आगे मैंने लिया है कड़ाही। कड़ाही में ऐड कर रही हूँ घी। और अब इसमें हम एप्पल्स को जो कट किए हैं उसे ऐड कर लेंगे। और अब इसे हम चला लेंगे गाइस। तो इसी तरह से चलाते हुए हम इसे एक मिनट के लिए पका लेंगे। तो गाइज, एक मिनट हो गया है, देखिए एप्पल जो है इस तरह से जो है सूखने लगेगी और इसका हल्का जो है कलर भी चेंज होता रहेगा। तो इसी तरह से चलाते हुए गाइज हमें और इसे 30 सेकेंड्स के लिए पका लेना है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, एकदम हल्का सा नमक हमें इसमें ऐड कर लेना है। और इसे डालकर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और अब इसमें हम नींबू का रस ऐड करेंगे। तो आधे नींबू का रस जो है हम इसमें ऐड कर लेंगे। गाइज, नींबू का रस ऐड हो गया और अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे। और वापस से हम इसे एक मिनट के लिए पका लिए हैं। और अब इसमें हम चीनी ऐड कर रहे हैं। तो पूरा एक बाउल चीनी मैंने इसमें ऐड कर लिया और इसे मैं अच्छे से चला ले रही हूँ। गाइज, हम इसे वापस से एक मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। तो चीनी जो है इस तरह से देखिए मेल्ट होने लगेगी। तो गाइज, वापस से मैंने इसे एक मिनट के लिए पकाया और देखिए चीनी हमारी जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है। और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो मैंने इस कप से, देखिए छोटे कप से, एक कप पानी जो है हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो धीरे धीरे इस तरह से हमें जो है चलाते हुए पानी ऐड करना है। तो पूरा एक कप पानी मैंने इसमें ऐड कर लिया। चलिए अब इसे हम अच्छे से चला लेते हैं।
और अब इसका हम लीड लगाएंगे और इसी तरह से हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो गाइस 2 से 3 मिनट हो गया है, तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो गाइस देखिए ये कितने अच्छे तरीके से जो है पककर तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे हम एक बार चला लेते हैं और देखिए इस तरह का जो है ये तैयार हो जाएगा। तो समझ जाइएगा कि ये तैयार हो गया है। तो गाइज एप्पल की चटनी जो है आसानी से बनकर तैयार हो गई है। तो जैसा कि आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है, तो आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ईजी और डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। जब तक कि चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।